हरियाणा में आए दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उन्हें पुलिस का खौफ भी नहीं है और चोर रात के अंधेरे में लोगों के वाहनों को निशाना बनाकर उन्हें लेकर फरार हो रहे हैं। ऐसे ही मामला कुरुक्षेत्र के नारायणगढ़ नगर इस्माइलाबाद से भी सामने आया है, जहां 3 चोर मोटरसाइकिल चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। आप स्क्रीन पर चल रही सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन 3 चोरों ने रात के अंधेरे में बाइक को चुराया और वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि स्क्रीन पर चल रही वीडियो में काले रंग की टी शर्ट पहने जो लड़का मोटरसाइकिल लेकर फरार हो रहा है, वह मोटरसाइकिल इस्माइलाबाद के नारायणगढ़ नगर से सुरजीत सिंह के घर के बाहर से चोरी हुई है। वहीं ये सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि कैसे इन 3 युवकों ने इस मोटरसाइकिल को निशाना बनाया और उसके बाद इसे लेकर फरार हो गए। तो शनिवार रात को 9 बजे के आसपास मेरी बाइक मेरे घर के गेट के आगे से चोरी हो चुकी है, जो कि हमने प्रॉपर लॉक करके खड़ी की थी। तो जैसा कि हमें उसके बाद सीसीटीवी में फुटेज निकलवाने के बाद पता चला कि 3 लड़कों ने हमारी बाइक चुराई है, और ये 3 लड़के बाइक लेके ठस्के रोड की तरफ फरार हो गए थे। तो हमने उसी रात पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी थी और पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया और हमें आश्वासन दिलाया कि जल्द ही हमारी बाइक वापस दिलवा देंगे। तो हमें इस्माइलाबाद की पुलिस से पूरी उम्मीद है और आप सभी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कहीं भी मेरी बाइक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR41F7942 है, कहीं भी अगर आपको ये बाइक दिखाई देती है या इसके बारे में कोई भी सूचना मिलती है, तो आप या तो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9729021301 पर सूचना दे सकते हैं, या फिर आप इस्माइलाबाद थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। फिलहाल मोटरसाइकिल के मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है और पुलिस ने भी इस मामले में इन 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब के SUTV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।